ये बच्चे थोड़े छोटे छोटे थे की में बात दौड़ियां दे सामने आ पा अच्छा दौड़े दे सामने हां जी दौड़ियां सामने सर्दी नहीं लगदी लगदी तो है पर मरीब डाड़ियां आ पा रियल पाकिस्तान की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, आपका मेज़बान सिशार अलवानी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं रियल पाकिस्तान। नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ तहसील अहमदपुर सियाल के इलाका अब्बासपुर में। मेरा साथ एक ऐसी फैमिली मौजूद है जो एक छोटे से कमरे में जो है अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है एक खातून जिसका नाम है कौसर बीबी, उसके 6 बच्चे हैं, 3 बेटे और 3 बेटियां हैं। ये जो है एक छोटे से कमरे में जो है अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और एक झोंपड़ी नुमा है जिसका दरवाज़ा तक नहीं है। ये बच्चे जो हैं, इनकी हालत आप मेरा कैमरा मैन अगर आपको दिखाए तो इनकी जो है पाँव में जूते नहीं हैं और सर पर दुपट्टे नहीं हैं और ये बड़ी मुश्किल से जो है वो ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। कौसर बीबी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि एक बहुत बड़ी तहसील में ज़िला जंग में रहते हैं जहाँ बड़े जागीरदार लोग रहते हैं। और अगर बात की जाए अपने सियासियों की जो बड़े दावे करते हैं कि हम लोगों की मदद करेंगे, लोगों के जो है दुख सुख में शरीक होंगे, लेकिन वो इलेक्शन से पहले तो लोगों के टूटी हुई चारपाइयों पर बैठ जाते हैं, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद वो गरीबों का हाल नहीं देखते के हल्के के लोग किस तरह ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। इन्हीं से बात करते हैं कि इनके कैसे हालात हैं और कैसे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। भी थोड़े 6 बच्चे हैं तो तुसी इतने ज़िंदगी गुजार रहे हो, थोड़ा दरवाज़ा भी कोई नहीं कमरे का, तो ये झोंपड़ी नुमा थोड़ा कमरा है, किमें गुजारा कर रहे हैं? बस इन्हें थल बैठे हुए हैं, साढ़े को आटा ही कोई नहीं, दाढ़ी गरीब दरवाजा मिले वे आटे दूजा सानू भांडे मिले वे समान शमान कपड़े शपड़े मिले वे तेरा शोर के करता है कोई नहीं अजा फोर्स नहीं मिले इंदे हम पर कमला सेना जी। हाँ जी कमला सेना जी। अच्छा ये दसो भाई, मैं अंदर जदों गिया कमरे दे विच ते चार पाई भी कोनी वतो कि में समझदे हो? तल्ले सामने आ पर। अच्छा तल्ले समझदे हो? हाँ जी तल्ले सामने आ। बिस्तर हैं या कोई ना? कोई नहीं, बिस्तर के नहीं से। अच्छा बिस्तर भी कोनी? हाँ जी। तो बात एक ही में बच्चे सो के 6 बच्चे थोड़े छोटे छोटे थे, किमें बात दौड़ियां दे सामने आ पर। अच्छा दौड़ने दे सामने? हाँ जी दौड़ियां सामने। सर्दी नहीं लगदी? लगदी तो है पर मरीब डाड़ियां आ पर। अच्छा मतलब मजबूरी तो समझ दो जी, मजबूरी तो सामने आ पर। आला हुकाम नो या जड़े मुखैर हजरात उन्हां नु की अपील करना चाहते? सान बिस्तर मिले वने, नाट दाने कोई मिले वने, दरवाजा मिले वने। जी बिल्कुल नासीन, आपने कौसर बीबी की गुफ्तगू सुनी इस छोटे से मकान में, झोपड़ी नुमा मकान में जो है वो इस जदीद दौर में जिंदगी बसर कर रही है। इसका कहना है कि गरीब लोग हैं, इनका शोहर जो है वो कुछ दिमागी तवासन उसका ख़राब है जिसकी वजह से वो कुछ नहीं कर सकता और इनके जो हालात हैं वो काफ़ी मुश्किल से हैं। जज्बा वेलफेयर सोसाइटी जो है वो हमेशा जो है इनकी मदद करती है, ये जो सुबह शाम जो है वो अपना खाना भी खाते हैं और साथ अपने बच्चों का पेट भी जो है वो पाट हैं। इनका कहना है कि कोई मुखैर हजरात और के साथ साथ वो लोग जो हमेशा गरीबों की मदद करते हैं, उनसे गुजारिश है कि इन लोगों को जो है मकान बना के दे दें और साथ ये गेट है वो भी उनका नहीं है जिसकी वजह से काफ़ी इनको सर्दी में मुश्किल होती है और बच्चों के जो है वो जूते भी नहीं हैं जो मतलब सर्दी में इनको भी काफ़ी परेशानी होती है। इनको कोई जूते लेके दे, इनकी को मदद करे ताकि ये भी अपनी एक अच्छी लाइफ गुजार सके। अपने मेज़बान सिशार अलवानी को रियल पाकिस्तान से इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।